फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अशोक विहार थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव और पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने पर पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया। वीरवार की शाम डीसीपी उषा रंगनानी ने मीडिया को बताया कि 27 जुलाई की रात 10:30 बजे अशोक विहार थाना क्षेत्र में तैनात एसआई प्रेम प्रकाश अपने टीम के साथ वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र अशोक विहार थाना क्षेत्र के प्रेम बारी पुल के पास क्षेत्र में अपने साथियों के साथ गश्त कर रहे थे 10:30 बजे। तभी उन्होंने एओ ब्लॉक शालीमार बाग के स्थानीय निवासियों की भीड़ को देखा। प्रेम बारी बस स्टैंड के पास विपरीत दिशा में इस बीच थाना शालीमार बाग के स्थानीय निवासियों द्वारा ट्रैफिक जाम के संबंध में एक पीसीआर कॉल भी आई थी, जहां पर एसआई प्रेम प्रकाश अपने साथ स्टाफ के साथ तुरंत पहुंचे, जहां शालीमार बाग और आसपास के थानों के स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और थानों से जिला रिजर्व और पुलिस बल भी बुलाया गया। स्थानीय पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष है, पुत्र हरगोविंद, जो रहने वाला एओ ब्लॉक प्रेम बारी बस स्टैंड के पास रहता है, जो कि वहां पर 2 से 3 लोग ड्रग एडिक्ट लड़के खड़े थे, उनसे वह झगड़ा करने लगा, जिसके बाद संतोष ने स्थानीय जनता को बुलाया और उन लोगों ने वहां पर धरना दे दिया और यातायात को भी वहां पर बाधित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनको समझाया मगर वह नहीं माने, पुलिस पर ही पथराव करने लगे और एक मोटरसाइकिल पर आग लगा दी थी मगर पुलिस ने आग बुझा दी, जिसके बाद 3 से 4 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। इस मामले पर डीसीपी उषा रंगनानी की बाइट सुने। कल दिनांक 27/7/2022 रात को लगभग 10:30 बजे प्रेमवाड़ी पुल के पास में शालीमार बाग इलाके में झुग्गी के लोगों के द्वारा ट्रैफिक जाम करने की सूचना मिलने पर इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर लगभग 150 से 200 लोगों की गैदरिंग थी और जिन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा था। मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट रिजर्व और अन्य थानों की पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया गया और क्राउड को वहां से डिस्पर्स करने के प्रयास किए गए। क्राउड एजिटेटेड थी, उनको पेसिफाई करने की कोशिश की गई। इतने में कुछ मिसक्रिएंट्स ने पथराव करना शुरू कर दिया। लोकल इंक्वायरी के दौरान पता पड़ा कि एक संतोष नामक युवक का 2-3 अननोन ड्रग एडिक्ट्स के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने पड़ोस के झुग्गी वाले लोगों को बुलाकर रोड जाम करने की कोशिश की गई थी। लोगों से अपील की गई कि रोड को फ्री कर दें और ट्रैफिक का मूवमेंट होने दें, लेकिन कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और पार्सल्स वाले और पुलिस पर्सनल पर पत्थर और बोतलें फेंकना शुरू कर दी। इमीडिएटली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्राउड कंट्रोल मेजर्स को यूज़ किया गया और माइंड लाठीचार्ज माइंड फोर्स का प्रयोग करके क्राउड को डिस्पर्स किया गया। इस दौरान लगभग 4 पुलिस व्हीकल्स के शीशे तोड़े गए और एक ट्रैफिक की मोटरसाइकिल को आग लगाने की कोशिश करी गई, जिसको इमीडिएटली पुलिस द्वारा बुझा दिया गया। इस इंसिडेंट में 8 पुलिस पर्सनल और 1 सिविलियन को चोट लगी। सभी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल भेजा गया और ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और इसमें राइट के सेक्शंस और क्रिमिनल असॉल्ट ऑन पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी के सेक्शंस IPC और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करते हुए मिनिमल फोर्स का प्रयोग करते क्राउड को डिस्पर्स किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है और लगभग 27 राइटर्स अक्यूज पर्सन को इस केस में अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एंगल नहीं था और सिचुएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इस समय पूरी तरह